है उसमें पुलिस के द्वारा ढिलाई बरते जाने के लिए, पुलिस को जगाने के लिए अपन सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे राणीवाड़ा ब्लॉक के सरदार संघ के अध्यक्ष आदरणीय जबरा राम जी, तन्नू सिंह जी, मालवाड़ा सरपंच साहब प्रदीप सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हिडमल सिंह जी, वकील साहब पुखराज जी, वकील साहब मोहनलाल जी, हमारे शरणा विष्णु समाज के अध्यक्ष भाई दौड़जी डारा साहब और सम्मानित मंच, धरना देना मतलब क्यों धरना देना पड़ता है? जब प्रशासन न्याय नहीं करे और आशा की किरण खत्म होती दिखे, उस समय फिर अपन धरने का हथियार अपनाते हैं। प्रजातंत्र में धरना देना हमारा अधिकार है। जिसके साथ जो घटना घटी है उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, एक महीना होने को आया है और पुलिस एक बार बॉम्बे जाकर के वापस आकर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई, उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे लग रहा है इस मुकदमे में राजनीतिक प्रेशर भरपूर है। पुलिस अपने ऊपर से बयान टालने के लिए इंतजार कर रही है कि हाईकोर्ट जाए, रिश्ते मिल जाए तो मारो लारो सूटे। सीआई साहब ऐसे लारा सूटेगा नहीं। शासन आता है जाता रहता है। आप परमानेंट आदमी हो, आपसे हमें न्याय की उम्मीद है। ये नेता लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये टेम्परेरी होते हैं। आज कोई मंत्री है संतरी है, कल वो घर पे बैठे रहेंगे। आपको तो न्याय करना ही है। इस थाने में करोगे तो भी करोगे, दूसरे थाने में जाओगे तो भी न्याय करना है। अब जमाना हाईटेक जमाना, इसलिए निर्णय जो करेंगे उसका परिणाम भी जल्दी मिलता है। रानीवाड़ा में साल भर में दो तीन घटनाएं हुई है। अभी दिनेश गर्ग जालेरा है, इसके साथ घटना घटी थी। कोई एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, इसने इतना अपराध किया कि उस मैसेज को इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और पुलिस 12-20 घंटे में भी उसको ढूंढ करके रेवदर से ला करके अंदर करके और 7-8 दिन की जेल यात्रा करवा दी। इस बंदे ने भी राणीवाड़ा सरपंच साहब के खिलाफ में वही सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अब कोई कह रहे हैं कि धारा इसमें ऐसी है, 7 साल की सजा नहीं है, इस सजा का प्रावधान नहीं है, तो ये गिरफ्तारी हो नहीं सकती, उसको नोटिस देंगे। अजी साहब जो देना है वो दे देवा कर, पीछा तो छोड़ो, माने तो ठा पड़े थे, नोटिस दिनो है कि नहीं दिनो है। हाईकोर्ट फाइल गई है तो फाइल लेकर के भी आपका सिपाही गया होगा, तो लाने के लिए भी आप सिपाही को भेजो और फाइल मंगवा लो। हाईकोर्ट ने कोई इष्टा तो किया नहीं है। वकील हड़ताल पर है, हड़ताल आज खत्म होती 4 महीने से, वह 6 महीने से हो, 2 महीने से हो, कोई गारंटी नहीं है। और फाइल वहां ले जा करके रख देने से फिर वो न्याय होगा नहीं। हाईकोर्ट ने अगर इष्ट दिया है या FIR को खारिज कर दिया है तो ठीक है, हमको बता दीजिए, हम हमारा धरना उठा लेंगे। और हाईकोर्ट ने इष्ट नहीं दिया है तो फिर वो फाइल मंगवाओ साहब, फाइल मंगवा करके उसमें कार्रवाई करो। जैसी कार्रवाई होती है वैसी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हमें आपसे खूब आशाएं हैं, आप राजनीतिक प्रेशर में नहीं आवे। क्या फर्क पड़ जाएगा, एक साइड में गुजरात आ गया और दूसरी साइड में पाकिस्तान का बॉर्डर है, ट्रांसफर हो जाएगी तो नौकरी आप CI रहेंगे और CI से डिप्टी बनेंगे, थानेदार तो बनने नहीं हो। तो इस तरह का प्रेशर आपको नहीं झेलना चाहिए। हमारा निवेदन यह भी है कि राणीवाड़ा के अंदर एक ऐसा आदमी है जिससे लोग बात करते हैं कि प्रशासन दबता है,
अमित चंद जी सरपंच थे और अमित चंद जी ने एक नाके के ऊपर उसको रखा था, चुंगी नाके पे रखा था। और चुंगी नाके वाला आदमी अगर एसडीएम सीआई और डिप्टी साहब को और तहसीलदार साहब को दबाता है तो फिर तो मामला गड़बड़ है साहब। अब वो ग्राम सेवक बनकर के तथाकथित या मिनी नेता बना हुआ है, उसकी औलाद उसके कब्जे में नहीं है, मुंह से महिलाओं के बारे में गलत शब्द निकालता है, और वो आदमी और उसके ऊपर के आका मिलकर के अगर पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके इस मुकदमे को रफा दफा करना चाहते हैं तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें चाहे या कितना भी धरना देना पड़े, अनशन करना पड़े, हम करेंगे। आपने एक या कार्यक्रम आयोजित किया था जालोर महोत्सव का, मंच पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और बड़े बड़े अधिकारी विराजे थे, और वो नेता ज्यादा फड़फड़ा रहा था तो किसी ने कहा थप्पड़ जड़ दिया उसके। उस थप्पड़ के लिए आपकी पुलिस रात को लोगों के, इज्जतदार लोगों के घर पे जाकर के और महिलाओं को परेशान करती है, और इस मामले में आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो, इसलिए संदेह हो रहा है आप पर। व्हाट्सएप पे एफआईआर आती है और आप कार्रवाई के लिए तुरंत दौड़ते हो, यह सीधा सीधा राजनीतिक प्रेशर है और इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप इस रानीवाड़ा उप सरपंच के मामले में न्याय करिए, एसपी साहब से मिले थे सरपंच साहब, उसके आज महिला एसपी है जालौर में, तो हमें महिला एसपी से भी आशा है, सीआई साहब डिप्टी साहब से भी आशा है, एसडीएम साहब भी महिला है स्वयं, एसडीएम साहब से भी हमें अपेक्षा है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी आपको जो कानूनी उचित निर्णय लगे वो निर्णय कर करके इस मामले को खत्म करें। और यह राजनीतिक दबाव, राज तो आते जाते रहते हैं, और ये लोग जो राजनीति की परिपाटी डालते हैं ना, तो पुलिस तो दूसरा राज आएगा, उस राज में भी पुलिस रहेगी। और ये जो रानीवाड़ा में ज्यादा फड़फड़ा रहा है, ये एक बार पहले कांग्रेस के शासन में कोटड़ा आया था मुझे और मेरे अंकल सरपंच सही राम को सीधा करने के लिए, इसके चार तगारी पड़ी थी, उसके बाद में अभी तक इसने मोहपात्रा कोटड़ा की तरफ मुंह नहीं किया। कानून अगर काम नहीं करता है तो तगारी चला लिया करो, घबराओ मत। जब इस मामले में कार्रवाई नहीं होती उसमें कौन सी होगी, हर जगह पुलिस और प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इस धरने में अपने को जितना बैठना पड़े अपन बैठेंगे, न्याय नहीं होगा तब तक अपन प्रशासन से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।